संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कोरोना के असर से रेलवे की आर्थिक स्थिति पर पड़ा दीर्घकालिक प्रभाव। भारत का चौथा पड़ोसी देश आर्थिक संकट में, लोगों में चीन के प्रति भारी नाराजगी। बीजेपी नेता ने शेयर किया महिला के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का वीडियो, नाना पटोले ने की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। एनसीपी को लेकर अध्यक्ष शरद पवार का अहम फैसला, तत्काल प्रभाव से भंग किए राष्ट्रीय स्तर वाले पार्टी के सभी विभाग व प्रकोष्ठ। एक दो नहीं 188 नेताओं पर एकनाथ शिंदे की नजर, अब ठाकरे की पूरी शिवसेना को हाईजैक करने की तैयारी। महंगाई जीएसटी पर हंगामे के तीसरे दिन भी संसद ठप, लोकसभा अध्यक्ष बोले जनता को चर्चा की उम्मीद। बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन, देश के संविधान की उड़ाई जा रही धज्जियां, कांग्रेस ने बोला केंद्र पर हमला। पीएम मोदी ने सिर्फ मंत्रियों से की मुलाकात, संसद में सरकार की रणनीति पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में पेच, अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की अगली सुनवाई से आस। यूपी में अफसरों के आगे मंत्री हो रहे असहाय, ट्रांसफर और कागजात बंटवारे को लेकर असंतोष। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।